Good afternoon, everybody, and welcome to Jhadeshwar College. Mu aji tomara basic concept arambha karibaku jauchi jounta ki video number ba lecture number 2 ya purbaru mu video number 1 pati dili setre just तमरो इंट्रोडक्शन देदिली केमिस्ट्री साइंस भितरे जस्ट आमे डिस्कशन करदिले एबे जिबा आमे बेसिक कांसेप्ट उपर को देखबिले गत क्लास रे मध्ये तुमको कहितली व्हाट इज एटम्स आउथर मध्ये कहि रखु जी व्हाट इज एटम्स गले कोन बुझिबो एटम्स का को कहिबा व्हाट एटम्स का को हमें कहबा केमिस्ट्री भीतर को जीवा कहले फर्स्ट हमें जानना भाई पड़िबो व्हाट इज एटम्स एटम्स ता कोन बा परमाणु ता कोन तमे हाई स्कूल पढ़ि आस्थिलो तमारो सार माने कहिदिबे जे परमाणु का कहबा ना गुटे उपादान रो क्षुद्रतम कणिका को हमें कहबा परमाणु जे की स्वाधीन बा निजे बा अन्य सहित मिसिकी रही पारे ता कहबा एटम्स इंडिपेंडेंस इट मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस स्वाधीन भाव रे रही पारे बा न भी रही पारे सेइटा को हमें कहबा कोन एटम्स ताले हमें डेफिनेशन कोन लिखिया पिले ना गुटे एलिमेंट रो क्षुद्रतम कणिका को हमें कहबा एटम्स अर्थात को जदी हमें इंग्लिश रे कन्वर्ट करबा एटम्स इज द स्मॉलेस्ट एटम्स इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट atom is the smallest element atom is the smallest particles or tiny particles smallest particle koi paribo or tiny particles of the matter of the एलिमेंट सॉरी ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट व्हिच मे नॉट बी इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस अर्थात आमे एटम का को कहि परिबा ना जिए की गुटे एलिमेंट रो स्मॉलेस्ट पार्टिकल लेतिबो बा टिनी पार्टिकल लेतिबो एवं जिए की इंडिपेंडेंट मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस ताको आमे एटम्स वाली कहि परिबा एग्जांपल जदि जिबा जेते सब नॉन मेटल गुड़ी को नॉन मेटल गैस गुड़ी को कौन एलिमेंट भी जाई परिबो जदा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन N2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ए गुड़ी को मध्य उडे एलिमेंट व्हिच कंबाइन बुझेला मे नॉट बी इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस एमाने फ्लोरीन एफ हेकि रही परिबो एफ टू आकर एक्जिस्ट हुए जेपरी क्लोरीन सीएल टू आकर एक्जिस्ट हो परिबो बुझेला ए गुडी 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 कोन कहबा एटम्स आ इंडिपेंडेंटली एक्जिस्टेंस को माने हे परिबो हीलियम नियॉन पोटेशियम कैल्शियम लिथियम सोडियम एटसेट्रा एमाने ले इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस बट एमाने नॉट इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस बुझेला बुझेला नहीं तेल एटम्स का कहबा इट इज द स्मॉलेस्ट खाली साधारण मन रखिब इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट और टिनी पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट बुझेला बिले ता
तापर नेक्स्ट आस्त जिबा मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स का कोइबा मॉलिक्यूल्स का कोइबा न मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट और द कंपाउंड लेखि परिबा बाय लगिबा इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड मध्य कहि परिबा इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड व्हिच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस व्हिच कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस बुझीला तले इटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द कंपाउंड बा एलिमेंट भी पारे व्हिच कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस जिए कि स्वाधीन भाव रे रही पारिबो बा रही पारे एग्जांपल आमे नै परिबा सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया एटसेट्रा ए सब गोटे गोटे लेके मॉलिक्यूल्स एगुडी कोन कहबा मॉलिक्यूल्स बुझियला ना बुझियला ने तापर आसीबा कोन एटम्स मॉलिक्यूल्स जानले अबिका जीवा एटॉमिक मास अबिका जीवा कोन की एटॉमिक मास लेखबिले एटॉमिक मास का कहबा एटॉमिक मास तले एटॉमिक मास का कहि परबा ना द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट बा ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन द हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एटला हाइड्रोजन स्केल अनुसार कैलकुलेशन को आवला बाय डेफिनेशन एटॉमिक मास डिफाइंड एज द एटॉमिक मास डिफाइंड एज द नंबर ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन एटम ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज हैवियर देन एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हैवियर देन एन एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बुझेला ना बुझेला नी बिले एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज हैवियर देन एन एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ना बुझेला नी केते टाइम्स हैवियर काटारू हाइड्रोजन टारू सेटा को तार कहवा तार एटॉमिक मास जदि मोर मास मु काढे बि जाई बि कंपेयर करबि का सहित बा मु केते गुणा बाहरी हाइड्रोजन एटम्स हाइड्रोजन एटम ठारू मु केते गुणा बाहरी जेते गुणा बाहरी बि सेते सेटा मोर अवतार सेटा हम मोर एटॉमिक मास मन कर ई चौकटा हाइड्रोजन आटम टू के गुण बाहरी ताले आमे सहीटा स्थिर करें ये एलिमेंट मास से ताले आमे रिलेटिव आटमिक मास के लिखा ना रिलेटिव आटमिक मास इक्वल टू लिख रिलेटिव आटमिक मास इक्वल टू के लिख मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ द हाइड्रोजन तले लिखिबो
mass of one atom of an element divided by mass of one atom of hydrogen. ବୁଝିଲାନି ସବୁ ସେମ୍ ଦେଖ ମାସ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ଆଟମ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା ନେଉଛ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସହିତ କିଛି ନାହିଁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ ରିଲେଟିଭ୍ ଆଟମ୍ ମାସ୍ ଇକ୍ୱଲ୍ ଲେଖିବ ମାସ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ଆଟମ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଆଟମ୍ ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ମାସ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ଆଟମ୍ ଅଫ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବୁଝିଲାନି ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସ୍କେଲ୍ ଏଇଟା ତୁମର ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସ୍କେଲ୍ରେ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା ରିଲେଟିଭ୍ ମାସ୍ ମେଥଡ଼୍ ବୁଝିଲାନି ନେକ୍ସଟ ଆସିବା କ'ଣ ନା ରିଲେଟିଭ୍ ମାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ ଲେଖିବା ସର୍ଟ ଲେଖୁଛି ଦେଖ ରିଲେଟିଭ୍ ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ RAM ଲେଖିବା କ'ଣ ମାସ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ଆଟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଲେଖ ଦେଖାଯାଉ ମୋତେ ବୋଧେ ମେ ବି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସ୍କେଲ୍ କ'ଣଟା ଏଇଟା ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସ୍କେଲ୍ ଅନୁସାରେ କରିବ ମାସ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ଆଟମ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏଇଟା ହେଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମୁଁ ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ କରିବି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସ୍କେଲ୍ ହେଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସ୍କେଲ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ରିଲେଟିଭ୍ ଆଟମ୍ ମାସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାସ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ଆଟମ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ବାଇ ସିକ୍ସଟିନ୍ଥ ମାସ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ଆଟମ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କାହିଁକି ନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ମାସ୍ କେତେ 16 ତାହେଲେ ୱାନ୍ ବାଇ ଯେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟର ମାସ୍ କରେ ତା ସହିତ କେତେ ଗୁଣା ବାହାରି ସେଇଟା ଆମର ହେବ ରିଲେଟିଭ୍ ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ଏଇଟା କେଉଁ ସ୍କେଲ୍ର ଆମର ହେଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସ୍କେଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି କ'ଣ କାର୍ବନ୍ ସ୍କେଲ୍ ବଟ୍ କାର୍ବନ୍ର ଦୁଇଟା ଆଇସୋଟୋପ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା 12 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 14 ବଟ୍ 12ଟା ହେଲା ଷ୍ଟେବୁଲ୍ 14ଟା ହେଲା ଅନ୍ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମାସ୍ ଅଫ୍ କାର୍ବନ୍ କାର୍ବନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛି ବା ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟର ତା'ର ମାସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି 14 ଗୋଟେ ଅଛି 12 ତେଣୁ ଆମେ 12କୁ ନେଇକି କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା କାର୍ବନ୍ ସ୍କେଲ୍ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ରିଲେଟିଭ୍ ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ଲେଖିବା ମାସ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ଆଟମ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଡିଭାଇଡେଡ଼୍ ବାଇ ୱାନ୍ ବାଇ 12 ମାସ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ଆଟମ୍ ଅଫ୍ କାର୍ବନ୍ 12 ଦେଖ କାର୍ବନ୍ 12 କାହିଁକି ଲେଖିଲି ନା କାର୍ବନ୍ 12 ମାସ୍ ଆଇଦର 12 ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ ନହେଲେ ଉପରେ ବି ଲେଖିପାରିବ ଏମିତି ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲାନି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟର୍ ରିଲେଟିଭ୍ ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ଅଫ୍ କାହାର ଗଲା ଆମର ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ରିଲେଟିଭ୍ ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ କଲେ ଅବିକା ଯିବା ପିଲେ ମଲିକୁଲାର ମାସ୍ ସରି ତାପରେ ଯାହା ମାନେ ଆଟମ୍ ମାସ୍ ଯେଉଁ ଆମ ଆଟମ୍ସ ଅଛି ତା'ର ମାସ୍ କେତେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାନେ PDF ନୋଟ୍ରେ ବି ଦେଇଦେଇଛି ତଥାପି ଏଠି ବି ଲେଖିକି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଦେଖ ନା ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲନି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆଟମ୍ ମାସ୍ ସବୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଯାହା ବି ଲେଖୁଛି ମୁଁ ତୁମେ ନୋଟ୍ସ ବୁକ୍ରେ ବା ଫେୟାର୍ ଖାତାରେ ତୁମେ ନୋଟ୍ସ କରି ଲେଖ ବୁଝିଗଲା ତାପରେ ଆଟମ୍ର ଆଟମ୍ର ମାସ୍ କେତେ ସାଧାରଣତଃ ଆଟମ୍ ମାସ୍ ଆମେ AAM ଲେଖୁଛେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁଛେ କେତେ ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ୟୁନିଟ୍
देखो हाइड्रोजन फास्ट आछ के हाइड्रोजन जार आटे नंबर 1 तार मास नंबर के दे 1.008 amu हाइड्रोजन नंबर के आछ हीलियम जार आटे नंबर 2 मु सीरियली कह जाउ छीला केते 4 amu हाइड्रोजन हीलियम तापर के आछ लिथियम 3 6 amu 7 भी था दैट इज आइसोटोपिक मास हीलियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 हेला केते 8 amu 9 भी मध्य था दैट इज आल्सो आइसोटोपिक मास आके दिया जाए 9 भी मध्य करा जाए हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन 5 तला से कोन 10 amu 2 गुणा आइ जीवो सबले जते 8 नंबर तो तार 2 गुणा जते ऑड नंबर आसीओ 2 गुणा प्लस 1 केते बेले ना 7 आसले 8 नंबर 7 आसले ताटर अधिक होले 20 पर्यंत हम कहि देबी देखो बोरन परे हला कार्बन कार्बन केते 12 amu आउट अछि 14 दैट इज आइसोटोपिक मास से लेखि दबो जदि 14 नबो तारे ता तळे लेखि दबो जे 14 आइसोटोपिक मास नै करो नाइट्रोजन 7 7 गुणे केते 14 amu नाइट्रोजन पे की आछि ऑक्सीजन केते 16 amu नाइट्रोजन पे केते फ्लोरीन 9 देखो एठी बढी जबो 9 एले केते होछि 9 गुणे 18 बा कता 8 19 केते नबो 19 amu फ्लोरीन पर किए नियॉन नियॉन केते 10 10 गुणे 20 amu ta prasila sodium kete 11 that is the joke 23 amu kai ki na old number plus 1 is jibo 2 time plus 1 ada 3 ta pras sodium pare magnesium 12 tale kete lagibo 24 amu ta prasila ki aluminium 27 kete lagibo सॉरी एल्युमिनियम 13 मास ला 27 27 amu सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम तापर सिलिकॉन 14 14 ने केता आसीबो 28 amu तापर आसला फास्फोरस 15 13 15 30 प्लस 1 13 प्लस 31 amu सल्फर 16 16 दुने केते 32 amu क्लोरीन 17 17 दुने 34 प्लस 1 35 बा कता किंतु लेखा होजी 35.5 amu एवरेज मास लेकि करा जाय छै तरो क्लोरीन परे आर्गन आर्गन ला 18 18 दुने 36 बा कता किंतु यार मास कैलकुलेशन कहि 39 amu आर्गन तारे पोटासियम 19 तार भी मास 39 amu पोटासियम कैल्शियम 20 तार मास केते 40 amu ओके बिले ताले तबर एति कि दिला एडी लेखि दु जे कैल्शियम तळे पर देखा जमतिबो एडी कैल्शियम डा केते आसीबो 28 नंबर मास केते 40 amu बुझेला एति कि तमे डाटा माने चारटा मन रखि दिबो काहे कि ना जे तमे मॉलिक्युलर मास काढिबा केते गोडी एटम को नै कि आमे मॉलिक्युलर मास कैलकुलेशन करिबा आउ कि जे एलिमेंट दो से गोडी मन रखो नले से दै दो तळे लेखि के दबो जे एटम मास यार एति कि मांगनीज साधारणत नै जाय 55 आयरन साधारणत 56 एटॉमिक मास यूनिट amu निकेल साधारणत 58 निया जाय नले केते बय रहल कि जो 58.5 amu कॉपर टाइम रख दाउ cu कॉपर कॉपर केते आसीबो 63 amu कॉपर पर किए निकेल निकेल रहला केते सॉरी कॉपर पर जिंक ना जिंक रो केते 65 amu सरला तले एई इतिके मास तो मन रखो तापर आमे मॉलिक्युलर मास कैलकुलेशन करे तापर आमे मॉलिक्युलर मास कैलकुलेशन करि बलिया बुझेला ना बुझबेलोनी तापर आसो ग्राम एटॉमिक मास
ताले ग्राम अटक मास कोई बात कहा को जोधी एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास ना बुझला नी ग्राम एटॉमिक मास लिखो ग्राम एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास का कोई बात द एटॉमिक मास एक्सप्रेस एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन एक्सप्रेस इन The atomic mass expressed in gram, sorry, atomic mass expressed in gram is called as gram atomic mass. Gram atomic mass. Hello? Tapre next. The atomic mass expressed in gram is called gram atomic mass. These quantities. This quantity is called as 1 gram atom. 1 gram atom. अर्थात 1 gram atom कोइले आमे कौन बुझिबा तारो atomic mass in gram. हेला 1 gram atom कोइले तारो मास को बुझिबा इन ग्राम जति मास इन ग्राम दैट इज कॉल्ड 1 gram of atom 1 gram of atom बुझेला मने करो एग्जांपल गुटे दउची एग्जांपल मने कर लेखिबा द एटॉमिक मास The atomic mass of nitrogen kete koila bile 7 × 14 gram 14 amu the atomic mass of nitrogen equal to kete amu tale atomic mass ba gram atomic mass of nitrogen kete jibo gram Atomic mass of nitrogen n लिख दुजु बिले इक्वल टू केतो हो 14 ग्राम यार अर्थ होला कोन दैट इज माने कोन ना 1 gram atom of nitrogen इज इक्वल टू हमें केते बुझिबु 14 ग्राम बुझिबेलो ना बुझिलनु सेईटा को कह दिस क्वांटिटी को एक्सप्रेस इन 1 ग्राम एटम देखो 1 ग्राम एटम का कोटा नाइट्रोजन ना हमें लिखले 1 ग्राम एटम ना तले 1 ग्राम एटम अब कहां रो नाइट्रोजन रो केते 14 ग्राम जदी कोटे क्वेश्चन बोला जे कैलकुलेट दी मास ऑफ 1.6 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन केते हबो 14 into 1.6 बुझियला करिबा आ गोटे दबा एग्जांपल माने करो देखो पिले पूरा सिंपलीफाई करी बुझौ जी त एई गुड को बेसिक जिंस गुड के ठीक भलो से बुझो जहां पळे तुम आगु को फिजिकल टा तुमको बहुत इजी लागिवो कैलकुलेशन कोई परिवो मॉलिक्युलर मास इक्विवेलेंट मास नॉर्मलिटी मोलारिटी मोलालिटी मोल ए सब कांसेप्ट गुड को ठीक भलो से बुझे पई पड़े बुझला बुझलानी तेनु आ गुड मते दीदी एग्जांपल कहिबी मन कर लेखिबी आमे जानछु कोन को आगु लिख दीदली द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन केते ऑक्सीजन रो एटॉमिक मास केते लिखाई दिला 8 × 16 माने 16 ए एम
U. Jadi mu ya aku gram atomic mass lekibi bile, tele kon lekibi na gram atomic mass, gram atomic mass of karo oksigen. Kete lekibi bile 16 gram. Kete lekibi 16 gram. That is yaro mane kon boilo bujilo bile yaro mane la je 1 gram atom 1 gram atom of oxygen equal to kete gram 16 gram tome atomic mass gram re prakash koriba pore molecular mass ku gram re prakash modhe koi paribo simplify easy Ini apa bujilah sebanyak itu, mana molekul mas itu pada gram reproduksi kau dilihat kembali mau, bujilah bujilah ini, deka, mana kalau ada question, debi, solusian kau debi, baki kiki question debi, kami mati, tarah answer kau di WhatsApp reporti mau, bujilah bujilah ini pilih, first aja problem dia koriya, gude problem koriya, tahap rejiba, itu tor-tor bawa dorkan nai, problem number one. Calculate the mass of 2.6 gram of sodium. Kono sodium ko ji kete gram 2.6 gram of sodium. Tala be solution kon koriba. Dekho gutai kor douchi. Solution koriba ame je. Je 1 gram atom of sodium kule kuji ene equal to kete buja jai 23 gram. 23 gram. Tale amaku kete calculation kore bhai koi ji 26 arthat tame eta janicho je gutae pen ro dam jodi 10 taka hue sei pori 10 ti pen ro dam kete hobo same thing ame janchu 1 gram atom of sodium kete gram bujha jay 23 gram tale 2.6 gram atom of sodium equal to kete lekhiba na 23 into 2.6 2.6 tale kete hobo tale 6 3 goni dio 26 18 3 6 7 12 ate 1 2 2 4 5 8 9 5 तेरे कितने ऐसी वो 59.8 59 चौदह नौ आठ आते एक चौदह दो आते एक दो चार को पांच आठ को आठ सात दो नौ पांच को पांच है ना तेरे कितने ग्राम पाई ला बिले इतने की ग्राम सुन ला बिले आप उठे कर दो बा तब बाकी तो को क्वेश्चन तुम कुछ भी ना तो मैं भी क्वेश्चन लिखो अभी तो मैं क्वेश्चन लिखो कैलकुलेट दी मास ऑफ Calculate the mass of problem number 2. Calculate the mass of 1.5 gram of calcium. देखा जो नबिले सीए इधर कैलकुलेशन करके मधे व्हाट्सएप पर पढ़े बो तापरे प्रॉब्लम नंबर 3 कैलकुलेट दी मास ऑफ 2.1 gram of phosphorus bujhela of likho of beat kar duji
आई रे लिखिबो ए रे लिखिबो फास्फोरस फास्फोरस पी बी रे सिलिकॉन सिलिकॉन एस आई मैग्नीशियम एम जी मास तो मुझे ऑलरेडी कही सारी जी मास कही थी से मास अनुसार लिख फास्फोरस सिलिकॉन मैग्नीशियम मास तो मुझे कही सारी डी आयरन आयरन माने किए एफी एफी तो मास ऑलरेडी मुझे कही सारी ए बी सी डी ई आयरन परे पोटेशियम ए कॉपर कॉपर ऑलरेडी मास भी मेंशन कर सारी सी यू ओके एतिकी क्वेश्चन मते व्हाट्सएप रे आंसर करके मो व्हाट्सएप नंबर रे पठेबो मो व्हाट्सएप नंबर टीला 9776898950 दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर आउ जदि किसी डाउट रहिला ताले मते एही नंबर रे कॉल करके पाठ सब बुझिबो 7008257481 ए नंबर रे कॉल करिवो ए नंबर रे व्हाट्सएप रे आंसर करके मते पठेइबो बुझियला न पिले बुझियला एतके आंसर मते करी पठाओ तापरे नेक्स्ट वीडियो रे कि म आसीबी त सेतकी पर्यंत सेतिक पर्यंत अपेक्षा करो आज आज भाई एतिकी थैंक यू ऑल द बेस्ट।